एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम हैं सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया में हमारे एक मित्र हैं, और इनसे कुछ बात करेंगे और क्या करते हैं, इनका लाइफ कहां से शुरुआत हुआ था और सऊदी अरेबिया में कितने सालों से हैं, सब कुछ डिटेल में बात होगी। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सबसे पहले इनसे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, और अपना नाम सहित और पता दोनों बताइए हमारे सब्सक्राइबर। वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम है शुकुर शेख और मैं कलकत्ता का मुर्शिदाबाद का आदमी हूँ। ओके। और मैं फिलहाल अभी सऊदी में हूँ। जी जी। और सऊदी में मैं कंपनी का अंदर में हूँ। अच्छा अच्छा। सऊदी में आप कितने सालों से हैं? 6 साल होने वाला है। तो भाई साहब को सऊदी में टोटल 6 साल हो गया, और अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इन 6 सालों के बीच में क्या हुआ, और सऊदी में आप कब आए थे, कैसे आए थे, क्या क्या काम किए, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल। सऊदी में आप कब आए थे? मैं 2017 में आया था। 2017 में 17, 23 और 23 अप्रॉक्स 6 साल आपको हो गए। जो जब आप सऊदी में आए थे तो आपका सबसे पहले काम क्या था? मैं क्लीनर में आया था, क्लीन का काम पे। क्लीनर में आप आए थे? तो मेरा पहले बेसिक था मेरा 900 रियाल। अच्छा अच्छा। सैलरी? 200। जी जी। और अभी हुई फिलहाल 2000 तक हुआ है। 2000 सैलरी। तो भाई साहब स्टार्टिंग में आए थे, इनका सैलरी बेसिक जो था 900 रियाल था, और 6 साल पहले सैलरी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2000 अप्रॉक्स में इनका सैलरी है, तो अभी भी ठीक है, क्योंकि दिन पे दिन जो डे टू डे अपडेट हो रहा है और करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जा रही है, और जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर, वो भी बढ़ता जा रहा है, तो उसके हिसाब से सैलरी बढ़ना चाहिए। तो आपको अभी आप क्या कर रहे हैं सऊदी अरेबिया? अभी सऊदी अरेबिया में काम ही करता हूँ, नाइट पे। नाइट पे? हाँ। तो अभी भी क्लीनिंग पे ही? नहीं, थोड़ा पोस्ट बढ़ा है। अच्छा। तो 6 सालों में इनका पोस्ट भी बढ़ गया है। और कैसा सफ़र रहा इन 6 सालों के बीच का? 6 साल का बीच में सफ़र बहुत अच्छा था। अच्छा अच्छा। मगर थोड़ा दिक्कत भी हुआ था पहले नया में, बहुत दिक्कत हुआ, झेलना पड़ा। शुरुआती में सबको दिक्कत होता है। 2 साल तक झेला हूँ 900 रियाल सैलरी में। अच्छा। जी जी। और जब 2 साल पार हो गया, थोड़ा मैं सुकून का थोड़ा ज़िंदगी जूने लग गया, जैसे मायने गया, जैसे टाइम गया उसे मेरा सैलरी भी बढ़ने लग गया। अच्छा अच्छा। तो मेरे को अच्छा भी लगने लग गया उस टाइम। जी जी बिल्कुल। तो इधर मोदी भी, हमारा मोदी जो लोग है मेरे को बहुत प्यार करता है, ऐसे नहीं है। अच्छा, जो बोलता वो होता। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, एक बार हम थोड़ा सा क्लीनर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई क्लीनर के रूप में सऊदी अरेबिया में आना चाहता है तो क्या सजेशन देंगे, क्लीनर काम सही है कि नहीं है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कितना सैलरी उसको मिलना चाहिए क्लीनर में? देखिए जी, सबसे बढ़िया क्लीनर का काम है। अच्छा अच्छा। सऊदी अरेबिया में, सऊदी में सबसे बढ़िया काम है क्लीनर। जी जी। आदमी सोचता है यार क्लीनर का काम अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो जी नहीं जी है। मगर मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया क्लीनर का काम, क्लीनिंग का काम पे जी जी मज़ा भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। अच्छा, अगर कोई नया बंदा आना चाहते तो कितना उसको बेसिक सैलरी मिले तो यहाँ पे सरवाइव कर लेगा, मतलब रह लेगा अच्छे से? बेसिक सैलरी देखिए पहले 1000 रियाल पे देंगे। 1000 रियाल पे? हाँ। तो फिर आदमी को दिक्कत भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल। और ओवर टाइम भी है। अच्छा, ओवर टाइम 2 घंटा ओवर टाइम दे दिया, हर दिन 2 घंटा करके दे दिया, तो उसका 1500 यानी माने। हाँ। तो अगर बंदा 1000 रियाल भी आता है और पर डे 2 घंटे ओवर टाइम मिलता है, तो अप्रॉक्स 1600-1700 सैलरी हो जाएगा। हाँ। और उसमें खा पी के अच्छा बचा लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 1000 पे आ सकते हो। मगर इसी कंडीशन पे आप आओ जब ओवर टाइम हो, अदरवाइज बिना ओवर टाइम के पाते हो तो आदमी फंस भी सकता है। क्लीनर में ऐसे काम है आपका 8 घंटा से ज़्यादा नहीं कराएंगे। अच्छा अच्छा। मॉर्निंग में 8 घंटा से ज़्यादा नहीं कराएंगे, आप बाहर भी जाके कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है जी कंपनी का अंडर में काम खत्म हो गया, आप बाहर भी कर सकते हो, 600-700 या 4 घंटा का मिल जाएंगे आपका, आराम से मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा। बाहर? हाँ। अलाउ है काम करना? अच्छा अच्छा। अलाउ है, मगर थोड़ा देख के करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो आप सऊदी लगातार 6 साल से हैं कि बीच में गैप भी नहीं, है आपका? मैं लगातार हूँ। अच्छा। फ़ोन किसका आ रहा है, गर्लफ्रेंड का? नहीं नहीं, मेरा भाई का आ रहा है। भाई 6 साल से सऊदी, अभी इंडिया नहीं गया है, कैसा कैसा लोग है भाई, समझ में नहीं आता। 6 साल भाई काटना एक बहुत बड़ा मतलब संघर्ष है। हमें तो नहीं लगता हम 6 साल, 6 साल हमें लगता है हम साल भर बाद इंडिया चले जाएंगे, ऐसा लगता है हमको। अब आगे क्या होगा? सब आदमी को लगता है, हमको भी पहले लगा था,
जी मैं अभी चला जाएंगे जब नया आया 3 महीना अच्छा, या अच्छा। सैलरी में कौन काम करेंगे जी, हम जी। जाएंगे जी जी हमको अभी अच्छा नहीं लग रहा था फिर धीरे 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 जब दिल बैठ गया ना यहाँ तब मैं भी बाहर जाता था कमाता था ऐसे ऐसे हो जाता था अच्छा अच्छा कम से कम 3,000 तक कमा लेता था कमा लेता था 3,000 तक कमाता हूँ मैं और भाई के कुछ पार्ट टाइम भी जॉब चलते रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनका पर्सनल बिजनेस है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर सऊदी अरेबिया की हम बात करें इसमें सबसे अच्छा आपको 6 साल के बीच में क्या लगा? सबसे अच्छा मेरे को लगा मेरा मुदीर। मुदीर अच्छा मेरा सैलरी बढ़ाने में माहिर है। अच्छा भाई ऐसे मुदीर को के पास हमें भी ले चलो जो सैलरी बढ़ाने में माहिर हो। हमारा कंपनी ये पता नहीं साल भर बाद जब एग्जिट लगाना चाहता हूँ तब मेरा सैलरी बढ़ जाता है। अभी जाना इंडिया कब वापस जाना है? अभी तो फिलहाल सोचा नहीं, सोचेंगे सोचेंगे फिर 6 साल इधर सऊदी में रहे फिर जाके शादी वादी करना है कि नहीं। हाँ शादी तो भाई करना है। तो भाई 6 साल इधर मराने के बाद ये थोड़ा सा फनी मोमेंट है, मराने के बाद इंडिया में बंदा जाएगा शादी करेगा। यार हमें नहीं लगता है कि एक बहुत लंबा ड्यूरेशन आपको किसी कंट्री में काटना चाहिए। आपका पर्सनल लाइफ आप भी इंजॉय कर सकते हो। क्या होता है क्या बात है मेरा बात नहीं है कोई 2 साल करके चला जाता है वो सही नहीं है। 2 साल का उसका पैसा नहीं जमता घर पर 2 साल में ये तो है। और तुम एक थाना रह जा सकते हो तो तुम्हारा कुछ 20 लाख का आसपास जम जाएंगे। तो भाई आप तो अपने आपका कितने उम्र में आए थे सऊदी अरेबिया? मैं 18 उम्र में आया। 18 साल में तो आप 18 साल में आए अभी 6-24 मान लीजिए 24 साल आपका उम्र। अगर मान लीजिए कोई 25 साल में आता है तो 5-6 साल थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा क्योंकि उसको फैमिली प्लानिंग भी तो करना होगा। फैमिली करना है मुश्किल नहीं है। फैमिली तो है सबका है फैमिली, फैमिली किसका नहीं है। पहली बात है फैमिली का लेके जो शादी करता है कुछ दिन बाद देखता है पैसा ख़त्म हो जाता है कि वह कुछ प्रॉब्लम हो जाता है घर बहुत उधर भी हो जाता है। ऐसा नहीं है जी फिर उसका क्या होता है दूर में आता है 6-7 साल काट के जी जी चला पैसे सब उधर करके सब चला जाता है जी जी। मगर शादी जो शादी नहीं किया है उसका 6 साल क्या 10 साल भी रह सकता है। बैचलर में तो आदमी रह सकता है, शादीशुदा नहीं है तो 6 साल अगर बहुत पहले कम उम्र में आया है। अब हम लोग कोई अब 22-24 साल में आए और 6 साल रहे तो क्योंकि आगे चल के मैरिज प्लान भी करना है। आप लोगों का शादी हो गया? कहाँ शादी हो गया मेरा क्या शादी नहीं हुआ? अरे भाई क्या वीडियो में बेइज्जती करवा रहा है मेरा। अभी मैं बैचलर हूँ यार अभी शादी नहीं। मेरा गलती हो मिस्टेक हो गया। अरे कोई बात नहीं अभी उतना मालूम नहीं था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं आदमी का ऐसे। अच्छा ये बताओ अपने शादी में बुलाओगे कि नहीं हमें? तो हम तो बुलाएंगे भाई कोलकाता में। अभी 2 साल बाद इंडिया जाएगा भाई तो अभी जाएगा उधर शादी में जाएंगे इंजॉय करेंगे हम लोग। आप लोग भी आ जाना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट। कुछ और कहना चाहेंगे क्या आप? तो भाई ये जो यूट्यूब चैनल देख रहे हो उसको उसका शेयर कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना और सबका पास ये वीडियो को शेयर कर देना, बेल आइकन लाजिम दबा देना। भाई थोड़ा सा बंगाल से है तो अभी बंगाली में बात करेगा एकदम क्लियरली, थोड़ा सा हिंदी बोलने में दिक्कत होता है इग्नोर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।